प्रताड़ित कर दिया गया कि वो डिप्रेशन में चला गया और उसका हार्ट फेलियर कर गया। खैराबाद के शिक्षक पुलकित की मौत पर सियासत तेज हो गई है। शिक्षक संगठन समेत राजनीतिक दल भी इस प्रकरण को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए। गुरुवार को कोई शिक्षक के परिवार के घर जाकर उन्हें ढांढस बधाया तो कोई उसे न्याय दिलाने को संघर्षरत है, लेकिन कोई दिवंगत शिक्षक परिवार को राहत दिला नहीं पा रहा है। ताज्जुब वाली बात तो यह है कि पीड़ित परिवार थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी तहरीर तक नहीं स्वीकारी। हालांकि प्राथमिक शिक्षक संघ के जिम्मेदार DMSP से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र देने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि शिदौली कोतवाली इलाके के नरोत्तम नगर के रहने वाले यशोधर श्रीवास्तव के पुत्र पुलकित श्रीवास्तव को 69,000 शिक्षक भर्ती में बतौर सहायक शिक्षक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय गौरैया खुर्द में तैनाती मिली थी। रोजाना की तरह बुधवार को पुलकित अपने स्कूल आया था, मगर वहां पर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। शिक्षक साथी उसे BCM अस्पताल ले गए, जहां पर शिक्षकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। साथ ही शिक्षक की मौत होने से गुस्साए प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने BEO पर प्रताड़ना समेत अवैध वसूली के गंभीर आरोप जड़े थे। आरोप है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक समय मुकर्रर था, लेकिन खैराबाद ब्लॉक में अभी हाल में पोस्टिंग पर आए BEO अशोक कुमार यादव लगातार यहां के शिक्षकों पर स्कूल खुलने से 15 मिनट पहले और बंद होने के 30 मिनट बाद तक ठहराव करने का दबाव बनाए थे। यही नहीं, BEO पर अवैध सुविधा शुल्क वसूली का भी आरोप है। उधर BEO अशोक यादव ने इस मामले में लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपनी रोटियां फेंकने को बेवजह मुद्दा बनाने की बात कही है। शिक्षक की मौत के बाद गुरुवार को BEO पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने के लिए खैराबाद थाने में पीड़ित परिवार प्राथमिक शिक्षक संघ नेताओं के संग तहरीर लेकर पहुंचा तो पुलिस ने उनकी तहरीर ही नहीं ली। ऐसे में वो बैरल वापस लौट आए, इससे मायूसी हाथ लगी। हालांकि खैराबाद प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने इस मामले में कार्रवाई के लिए अब DMSP से मुलाकात करने की बात कही है। उधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बधाया, साथ ही सरकारी व्यवस्था पर तंज भी कसा। दिवंगत शिक्षक के परिवार से मुलाकात करने वाले कांग्रेस नेत्री कमला रावत, जिला प्रवक्ता आमोद मिश्रा, विनय यादव, रामपाल यादव आदि शामिल रहे। कांग्रेस ने उन्हें ये लड़ाई मिलकर लड़ने का आश्वासन दिया है। आप भी सुनिए पार्टी जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने क्या कहा। एक खंड शिक्षा अधिकारी इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इस तरीके से शिक्षकों के ऊपर तानाशाही रवैया इंस्पेक्टर राज बना के रखा हुआ है। शासन कानून का राज रहेगा या खंड शिक्षा अधिकारी का राज रहेगा? जब सरकार द्वारा नियत समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है तो खंड शिक्षा अधिकारी अशोक यादव जी ये वीडियो जारी करते हैं कि प्रत्येक शिक्षक 7:15-8 बजे पहुंचेगा और 2:30 बजे तक रहेगा। ये होते कौन है इस तरीके की बात और बयान देने वाले? सरकार और शासन द्वारा निर्धारित जो समय है उसी समय सीमा पे रिपोर्टिंग करनी चाहिए शिक्षक को, और इसके लिए वो प्रतिबद्ध है, न कि खंड शिक्षा अधिकारी के तानाशाही रवैये को मानने के लिए। हम यहाँ आए हैं, पूरा घर उजड़ गया, एकमात्र संतान इस घर की आज एक आशियाना उजड़ चुका है एकमात्र अधिकारी के इस तरीके के तानाशाही रवैये के कारण। हम एक रिपोर्ट बना के प्रेषित करेंगे आज के आज अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी को और हमारी जो CLP लीडर हैं श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, और जरूरत पड़ी तो इस सवाल को हम सदन में भी उठाएंगे। हम पूरा संघर्ष करेंगे, ऐसे संवेदनहीन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई हक नहीं है उसको नौकरी में रहने का।
इस कदर प्रताड़ित कर दिया गया कि वो डिप्रेशन में चला गया और उसका हार्ट फेलियर कर गया।